victim's father, the 9-year-old's father, has also said that his daughter was going to the shop when the accused molested her, and he was also shocked at the fact that a local TMC leader was trying to settle this matter. Let's in fact now listen into it. मेरा बेटी जो है घर से जा रहे थे मेरा दुकान में जाते वक्त जो आदमी कांड किया है उसका नाम है अब्दुल रऊफ मुल्ला तो वो मेरा बेटी को बुलाई से बुलाने का बाद दुकान का अंदर में ढुका के उसका साथ में बहुत कुछ खराब किया है ये सब करने का बावजूद हम तो देखा नहीं था बगल वाला कोई देखा है तो वो जाके हमको बोला है जो तेरा बेटी का साथ ऐसा ऐसा बदतब हो रहा है तो हम उस टाइम उसका साथ आया है आके देख रहा है उसका बगल में खड़ा है जब खड़ा था हम बेटी को हाथ पकड़ के लेके चला आया चला आने का बाद हम उससे पूछा है जो बेटी का हुआ तुरा साथ तो बोला हाँ ऐसा ऐसा हुआ है हमारा जबरदस्ती हमको मार धर का डरा के हमको ये सब किया है जब ये किया है हम मेंबर को कॉल किया है जो पंचायत मेंबर है उसको कॉल किया है वो आया है पंचायत मेंबर का नाम है हाफिज अब्दुल हाफिज वो आया है आके बोला ठीक है जो वो गलती किया है तो उसका सजा वो भोगे देगा फिर बोल के वो जब गया है विटनेस का घर में तो जाके हुआ उसका तरफदारी करने लगा है किसकी जो कांड किया है जो कांड किया है उसको तरफदारी करने लगा है तो हमको हम वहां पर अकेला था हम कुछ नहीं बोल सका हमको बाहर से हमारा हजारों लड़का हमको आवाज दे रहा है तुम बाहर आओ हमको आने नहीं सक रहा इसलिए हम वहां कुछ नहीं बोला जब हम बाहर आया तब हम सबको बोल दिया जो भाई जो सच है जो हकीकत है वो होके रहेगा For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.